Someone rightly said, "All our dreams can come true if we have the courage to pursue them." Doing hard things require a lot of hard work. And today on our show, we are having a guest who has worked really hard to achieve all his goals. Please welcome my friend Harpreet Bharad on Friday Talk. वेलकम हरप्रीत ब्रो टू आर शो थैंक यू सो मच आप टाइम निकाल के अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मुझे पता आप अभी अभी रिसेंटली वापस आए हो एंड आई एम श्योर आपको बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी एंड सेकेंडली बहुत बहुत मुबारकें एक तो नई जर्नी ऑफ लाइफ की भी आई जस्ट सॉ दैट यू आर गेटिंग एंगेजड यू ऑलरेडी गॉट एंगेज एंड मैनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच बड़ी डिफरेंट जर्नी है और बड़ा मज़ा आएगा <laughs> thank you, thank you, स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई थिंक अगर आपने पहले भी देखा होगा जितनी मेरी इंटरेक्शन uh, या आप ये कह सकते हो कि जितनी मेरी एसोसिएशन क्रिकेट से रही है उतनी किसी भी स्पोर्ट्स से या किसी भी और फील्ड से नहीं रही है सो ऑलवेज यू नो आई एम प्राउड वी आर इमोशनल जब हमारा ही कोई ग्रुप का बंदा आगे बढ़ता है आपने हमारा नाम रोशन किया है सबका सो वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू एंड आई होप कि आगे uh, आप ऐसे ही बढ़ते रहो थैंक यू

Okay. तो मैं वो टू थाउजेंड में वो फैमिली साथ में ले आए थे जी. उससे पहले पाँच साल का था मैं जब तक तो मैंने मैंने पाँच साल अब वहीं पे गांव में ही रहा जी. और फिर उसके बाद यहाँ पे उनके साथ शिफ्ट हुए हम लोग टू टू थाउजेंड में जी. तो उसके बाद यहीं पे रह रहे हैं और हाँ. तो मैंने स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय की है और उसके बाद फिर आगे क्रिकेट में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था क्योंकि फैमिली सारी देखती थी

तो मे मेरे को कबड्डी तो मेरे में था ही कि मैं देखे तो पापा को खेलते देखता था जो आर्मी में से तो मैं अच्छा तो आप साथ जाते थे। हाँ जी तो हमारे क्वार्टर्स में जब मैं क्वार्टर्स में रहते थे हम लोग तो, तो वहीं पे आर्मी एरिया के अंदर ही मैच होते थे ओ अच्छा। तो मैंने चार पांच बारी मैंने पापा के मैच देखे तो हाँ। लेकिन जब मैं जब तक मेरे को कबड्डी की थोड़ी समझ आई थी तब तक पापा कह लो कि रिटायरमेंट वाली एज थी उनकी तो कबड्डी मैंने उनको खेलते देखा है बाकी फोटोज वगैरह बहुत देखी है उनकी जो पुरानी यंग एज में जब 20-25 साल के हाँ। थे तब से so, इंटरेस्ट कबड्डी से शुरू हुआ बेसिकली स्पोर्ट्स में हाँ जी बिल्कुल पापा को खेलते देखता था ट्रॉफीज वगैरह हाँ। मेडल वगैरह मिलते हाँ। थे उनको स्पोर्ट्स हाँ। में तो वो हाँ। तो मैंने काफी देखे थे हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे टीवी पे मैच आते थे जी, तो 2003 का वर्ल्ड कप देखा मैंने हाँ। तो मेरे को अभी भी याद है सारे मैचेस देखे मैंने तब, हाँ। तब जब इंडिया जीती थी तो जो हम हाँ। उसके बाद हम जो हमारे मकान मालिक थे उनको भी बहुत शौक था क्रिकेट का हाँ। तो उनके टीवी पे मैंने बहुत मैच देखे और हाँ। जब जी इंडिया जीती थी जलेबियां लेके आते थे हाँ। जलेबिया खाते थे सारी, हाँ। हाँ। हाँ जी क्रिकेट बेसिकली इंडिया में वैसी सेलिब्रेशन की एक मोमेंट होती है जब इंडिया जीतती है आई थिंक पूरा हिंदुस्तान सेलिब्रेट करता है और जब इंडिया हारती है तो पूरा हिंदुस्तान उसका गम भी मनाता है बिल्कुल अच्छा सो एक और इंसिडेंट आप शेयर करो जब 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया हारी थी तो हमारी रिसर्च टीम ने थोड़ी सी रिसर्च करी और उन्होंने हमें पता लगा कि आपने अपने मदर को कोई वादा करा था उस टाइम इंडिया जब फाइनल मैच हारी ऑस्ट्रेलिया से जी तो मैं 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 रोया मैं कह इंडिया हार गई मैं मम्मी इंडिया हार गई तो मैं मैं रो रहा था मम्मी वेरी कोई बात नहीं बेटा मैच है हार जीत होती रहती है तो मैंने मम्मी से वैसे ही आठ साल का था मतलब मैंने मम्मी एक दिन मैं ऑस्ट्रेलिया को हराऊंगा <laughs> <laughs> पता नहीं था कि क्या करेंगे क्या, हाँ, क्या, क्या हो करना क्या नहीं करना है पर वैसे ही गुस्से में बोल दिया ऑस्ट्रेलिया को हराऊंगा और हुँ। तो उसके बाद फिर न, क्रिकेट खेलते थे गली में गली में बहुत खेले क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ हाँ, शाम को क्रिकेट खेलनी हाँ, फिर 2017 में मतलब मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट पहली बार खेली हाँ, लेदर बॉल पे क्रिकेट हाँ, खेलना है और हाँ, जो इक्विपमेंट वगैरह पहन के खेलनी वो हाँ, चीजें हाँ, 2007 से स्टार्ट किया क्रिकेट से प्रोफेशनल क्रिकेट में एंटर करने का कैसे मन में आया क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं या तो पेरेंट्स की तरफ से आता है कि अपने बच्चे को ग्राउंड लेके जाते हैं या वो फैसिलिटीज दिखाते हैं कि आप प्रोफेशनली खेलो या आपको आसपास की सराउंडिंग से आता है सो so, आपको कैसे किस दिन ये फील हुआ कि मैं प्रोफेशनली खेलनी और क्यों खेलनी मेरा दोस्त था तो उसने अकेडमी ज्वाइन की थी नहीं नहीं तो दो दिन मैंने उसको देखा वो आया नहीं हमारे साथ खेलने तो जब शाम को वापस आता था तो वाइट ड्रेस में आता था <laughs> मैंने तो मैंने मम्मी मेरे और मेरे मदर और उसके मदर बहुत अच्छे हाँ, 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 तो उन, मैंने माँगी माँगी को बोला के ऐसे करके इलाहाबाद हाँ, हाँ, तो में, तो तो में गए थे वहाँ पे। हाँ, तो वहां पे वहाँ रहते होंगे हाँ जी वो तो ऐसा होता है आर्मी में क्या होता है ना आप एक महीने का जैसे कह लो कि कहीं पे एक्सरसाइज करने चले गए वो आर्मी की लैंग्वेज में एक्सरसाइज बोलते हैं जब कहीं कैंप लग जाता है उनकी तो वो वहां पे गए हुए थे हाँ। तो मम्मा मेरे को लेके गए फिर म, तो मैंने वहाँ पे की, संजीव शर्मा कोच थे मैं, उनके पास क्रिकेट, तो तीन चार साल मैंने बेसिक सीखे 2011 हाँ। में वो अकेडमी बंद हो गई अचानक हाँ, हाँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने संजीव शर्मा सर ने मेरे को बोला कि अगर तू क्रिकेट अगर आगे खेल खेलनी चाहता है तो मैं तेरे को आगे चंडीगढ़ में एकेडमी है सेक्टर में तो भारती सर के तो पीछे यही डिस्कशन हो रही थी काफी लोग भारती सर के बारे में नहीं जानते होंगे पंजाब रणजी ट्रॉफी के कैप्टन रहे हैं एंड ऑलरेडी टेकन थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव विकेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग अप्रोक्सीमेटली इतनी विकेट उन्होंने रणजी ट्रॉफी में ली हैं तो कमाल के बॉलर हैं और Uh, मेरा भी uh, चांस रहा कि मैं दो साल उनके साथ uh, प्रैक्टिस कर चुका हूँ सो अमेजिंग फॉर लेफ्ट स्पिनर्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई हैव एवर सीन। हाँ जी फिर hmm. मैं 2011 में उनके पास मैंने शुरू की जी तो मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं खेलता था hmm. तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर ली और बस घर चला गया मतलब बेसिक्स पे बहुत काम किया उस उस टाइम हाँ। पे तीन चार बट साल। उस टाइम कभी आपके माइंड में नहीं आता था कि मैं प्रैक्टिस करी जा रहा हूँ रोज के छः सात घंटे लगा रहा हूँ बट इसका कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा भाजी नॉलेज ही नहीं थी कभी कभी, कभी हाँ। ट्रायल ही हाँ। नहीं दिए थे सिर्फ <laughs> प्रैक्टिस करता था हाँ। तो फिर मेरे को सर ने ही भारती सर ने भेजा कि रोपट भेजा उन्होंने मेरे को कहते कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट खेल सकता है तू उनको लेफ्टान स्पिनर की जरूरत है तो मैं गया वहाँ पे तो मैं खेला डिस्ट्रिक्ट तो पहले साल डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट खेला मैं तीन चार मैच खेला बॉलिंग में तो इतना अच्छा नहीं हुआ बैटिंग में थोड़ा परफॉर्म किया उसकी वजह से पंजाब के अंडर सिक्सटीन स्टेट गेम में आ गया ओके okay. स्टेट गैम्प लगाया तो फिर वहाँ पे फिटनेस वगैरह का पता लगा कि फिटनेस वगैरह भी करनी होती है हाँ स्टेट कैंप में तो उस चीज़ की नॉलेज आई तो फिर अगले उस साल कैंप में कैंप में कैंप में आके बहुत खुश था मैं कि कैंप में आ गया मैं तो मैंने मेरे को था मैं छोटी छोटी जो भी मेरे को अचीवमेंट मिलती है ना मैं है। मम्मी को फ़ोन करके बोला मैं मम्मी मैं पंजाब के चालीस लड़कों में आ गया हूँ तो वो चीज़ों वो चला फिर नेक्स्ट ईयर फिर रोपड़ से खेला तो हाँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया तो अंडर सिक्सटीन स्टेट खेला जी मैं हाँ, हाँ, 2000, 2012 हाँ, 2012 में, हाँ, तो, तो स्टेट खेला अंडर सिक्सटीन वहां पे बारह तेरह विकटे ली मैंने तीन चार मैच में ओके, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए तो हम बाहर हो गए हाँ, तो बेसिकली उस टाइम आप नज़र में आना शुरू हो गए हाँ जी वो तो मैं वो खेला उसके बाद फिर सात साल मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ही खेला विकटे निकालता था परफॉर्म भी करता था पर कभी अब अंडर 19 मेरा मैंने बहुत प्लेयर देखे अंडर 19 इंडिया खेल खेले जब मैंने अंडर 16 खेला तो मेरे को नॉलेज आ गई थी कि अब स्टेट में परफॉर्म करके वो फिर आगे आप खेल इंडिया खेलते तो, तो आपको प्रोसेस पता लग गया था बेसिकली हाँ तो फिर मैं अंडर नाइनटीन खेला 2013 के बाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेलता गया अंडर नाइनटीन खेला वो वो अंडर नाइनटीन में सिर्फ स्टेट का कैंप लगाता था परफॉर्म करता था लेकिन हम रोपट डिस्ट्रिक्ट माइनर डिस्ट्रिक्ट थी तब ऐसा ये कौन से सन की बात है 2013 से लेके 2018 तक सात साल लगा हुआ सो so, 2007 में आपने क्रिकेट शुरू करी जी और 2018 तक आप कोई प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेले नहीं सिर्फ कैंप लगाने जाता था 11 साल आप लगातार करते रहे और ये 11 साल में कभी आपके मन में ये नहीं आता था कि यार मैं अपना प्रोफेशन चेंज कर लूं क्योंकि अगर हम किसी की भी बात करें 11 साल इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम तो अगर आप उतना दे देते हो 11 साल किसी भी फील्ड को तो आपको लगता है रिजल्ट तो आने चाहिए और यहाँ तो भी आपका रिजल्ट आप डायरेक्शन में भी नहीं शुरू हुए थे बेसिकली डिस्ट्रिक्ट खेल रहे थे तो कभी आपके मन में नहीं आया सच्ची बताऊँ कभी नेगेटिव थॉट आया नहीं में मतलब नेगेटिव थॉट की भी नॉलेज अब हुई है अब पता लगा नेगेटिव पॉजिटिव होता गया तब कोई ऐसा थॉट आया ही नहीं कि भी क्रिकेट छोड़ दूंगा ये कर दूंगा तो कभी ऐसा मन में जब थॉट आया नहीं तो मैं अपना काम करता रहता था जो मेरे हाथ में वो करता रहता था ऑब्वियसली जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है शौक होते हैं अच्छे कपड़े पहनू पैसे लगाऊ अपने फोन होना चाहिए मेरे पास अच्छा तो मैं मैच खेलता था क्लब मैची शु, खेलने शुरू किया हाँ, मैंने हाँ, तो मैं रोपड़ से खेलता था रोपड़ में मतलब रोपड़ में क्या रोपड़ के खुद के प्लेयर कम थे मतलब हाँ, बाहर से आके प्लेयर ज्यादा खेलते डिस्ट्रिक्ट हाँ, तो जलंधर से पाजी थे तो हाँ। उन मैंने उनको बोला पाजी वो वो क्लब क्रिकेट खेलते थे हाँ। मैंने जलंधर मैं हाँ, मैं हाँ। तो कर पे मैच हुआ तो सुबह उठ के आना पड़ेगा मैं आ जा करूंगा तो कहते चल ठीक कर है तेरे को तेरे को पैसे भी मिले करेंगे खेलने का सोचे नहीं थे कभी तो मैंने कहा पैसे भी मिलेंगे खेलने के तो मैंने शुरू किया जी मैं, तीन सौ रुपये शुरू किया तो मैं दो दो मैच भी खेला दिन में तो तीन सौ मिल जाता था तो मैंने मैं, मैं भाई मेरी डाइट डुट केले वगैरह दूध के साथ खाता था जी मैं तब तो मैं मैंने डाइट डुट बढ़िया बन, बनने लगी फिर वही क्रिकेट खेलता रहता था को क्लब मैचेस में बहुत खेला तो मतलब क्लब मैचेस ने मेरे को एक्सपीरियंस बहुत दिया, बहुत दिया। मैच कई कई बार क्या स्पिन विकेट पे मैच हाँ, हो जाना तो हाँ, अच्छा मैन ऑफ द मैच बन वो बेसिकली आपका फ्लो बना देते हैं हाँ जी तो मैं प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं मिल रही थी एक साइड हाँ। पर मैं क्लब क्रिकेट में बहुत करता गया और मेरा ध्यान यही था कि मैं मैचेस खेलूं अच्छा बनूं मेरे को अच्छा प्लेयर बनना था तो so, आप रोज़ अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे इस दौरान बेसिकली आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो सिर्फ क्लब खेल रहे हो कहीं तो क्वेश्चन आता होगा मन के अंदर कि यार भी मैं बन नहीं रहा हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ या मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप इंटरनल कोई मोटिवेशन तो करते ही हो अपने आप को मैं मेरे को मेरे को ना तब तब सच्ची बताऊँ इतना बड़ा ड्रीम नहीं था सिर्फ यही ड्रीम था कि पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी है हाँ, एज हाँ, ग्रुप पे खेलना है और वहाँ पे परफॉर्म करके रणजी ट्रॉफ़ी खेलनी हाँ, हाँ, है कभी सोचा ही नहीं था कि आगे जो भी आगे मिलेगा उसके बारे में बिल्कुल कभी बिल्कुल सोचा नहीं था सिर्फ रणजी ट्रॉफी था रणजी ट्रॉफी बहुत बड़ी चीज़ थी तब मेरे लिए तो मैं वहाँ पे खे खेलता था तो रणजी ट्रॉफी प्लेयर क्लब क्रिकेट खेलने भी आते थे है, है, तो उनके साथ खेलता था परफॉर्म करता था तो मैं जब कभी किसी अच्छा प्लेयर आता फिर उससे बात करनी पाजी कुछ बता दो ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे क्लब क्रिकेट खेलते, खेलते खेलते ही मेरी मान से। हाँ हाँ। तो मान से। हाँ जी। जब मैं उन्होंने बुला लिया मिन, मिनरवा टीम ने तो वो उन्होंने टीम एंटर कराई कठुआ टूर्नामेंट चल रहा था मेरे को अभी भी याद है मानपाजी पाजी वहाँ मैन ऑफ द सीरीज बने थे तो मैं मानपाजी से पहली बार वहां मिला ने मेरे से पूछा की क्या कहाँ रहता है मैंने बोला पाजी मैं जीरकपुर रहता हूँ तो मैंने डिस्ट्रिक्ट मोहाली है पाजी मेरा तो कहते भी तो रोपड़ से क्यों खेलता है मैंने बताया उनको सारी स्टोरी तो बोले कि मोहाली से खेल तो मैंने बोला मेरे मायने में तो यही था कि मोहाली मैं क, कभी मैंने मोहाली का ग्राउंड ही नहीं देखा था उससे पहले तो भाई कर... तो कभी को, कोई कोई टूर्नामेंट नहीं खेले थे इतने ग्यारह साल के दौरान मोहाली कभी गए ही नहीं थे आप मोहाली सिर्फ जब कभी हमारा रोपड़ का मैच होता स्टेडियम में तो स्टेडियम में मैच खेला और कैंप लगाने आगे बस डोर दो, मेट्री में रुके कैंप लगाए दस दिन कैंप लगाया फिटनेस की फिर, फिर फिर वापस हो गए तो माइंड में मेरे माइंड में हमेशा आता था पर मेरे को ये होता था यार एक ना एक दिन अभी टाइम आ जाएगा धीरे धीरे मतलब मेरे पेशेंस थी थोड़ी इस दौरान आपने एजुकेशन भी पूरी करी I mean, हाँ, आपने 12th class करी हाँ, के के आप drop कर दिया था नहीं education साथ साथ चलती रही की मैंने फिर फिर हाँ। उसके बाद बाद जब college में हुआ तो तो साल लगी मेरे को में तो मेरे दोस्त था वो भी मोहाली हाँ। से खेलता है जी। तो वो भी अभी आईपीएल खेल रहा है रमनदीप तो उसने मेरे को बोला कह रहा कॉलेज इकट्ठे लगेंगे टीम बनाएंगे फिर कॉलेज में क्रिकेट खेलेंगे तो एस डी कॉलेज में एडमिशन ले ली जी। तो तीन साल खेला मैं एक साल क्लियर हुआ दो साल कॉलेज गए पेपर ऊपर दिए नहीं तो वो वो चलता रहा सो so, कभी मदर फादर ने बोला नहीं कि एजुकेशन साथ रखनी चाहिए कि आप गलत जा रहे हो दस साल हो गए कुछ बन नहीं रहा कभी पेरेंट्स का कुछ ऐसा टेक नहीं आता बिल्कुल बोला उन्होंने तो तब मेरा सब अभी फर्स्ट ईयर था जब तुम जब मैं क्रिकेट क्रिकेट खेल रहा था एस डी कॉलेज से फर्स्ट ईयर में तो फिर सेकंड ईयर में मेरी वहाँ पे हाँ। मैंने अभी धीरे धीरे आई पी एल में सेलेक्शन होगी थी तब हाँ। तक मेरी अच्छा ओ, हाँ ओके 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 तो मैं तो निकल गया था जब मैं मानपा जी से मिला भाजी तो मान पा जी ने फिर मेरे को बोला था कि तुम ट्रायल देने आओ तो एक बार ट्रायल देने आओ सिलेक्शन हो जाएगी तो मैं ट्वेंटी थ्री के ट्रायल दिए मैंने कटोशील्ड से पहले होती थी ट्वेंटी थ्री कटोशील्ड सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैचेस होते हैं तो मैं मैंने मैसेज किया था मान भाजी को मैंने मान भाई का नंबर ले लिया था मैं मान भाई को मैसेज किया पाजी मैं ट्रायल दे के आ गया ट्वेंटी थ्री के कहते कोई बात नहीं अभी अब मैं कैम्प में नाम आ गया तेरा तो मैचेस में अच्छा परफॉर्म करना हाँ। मैं मैचेस में परफॉर्म किया पांच विकेट लिए पर फिर हाँ। टीम में नाम नहीं आया हाँ। तो मैं थोड़ा मैंने Depress. थोड़ा सा था भी, दुख था भी भी दुख परफॉर्म करके नाम नहीं आया हाँ. फिर मैंने बोला नाम नहीं डालू तो मानबाजी है, है, हाँ. 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 तो, मान इंडिया खेले हुए थे जी और जी इतने बड़े प्लेयर जब आपको इतनी बड़ी कमिटमेंट ना तो ट्रस्ट हो जाता सिर्फ अपना काम करना है बाकी पाजी हैं मेरे पास तो मैं तो पा फिर पाजी ने मेरे को मैच भी खिलाया मैंने पहले मैच में पांच विकेट लिए फरीदकोट मैच था हमारा आ, हा, हा, हा। तो फिर उसके बाद वो अगले साल फिर ट्वेंटी थ्री आई मैंने ट्वेंटी थ्री खेलनी थी तो लास्ट ईयर था मेरा ट्वेंटी थ्री का बाईस साल का हाँ हा, जी तो लास्ट ईयर था मेरा ट्वेंटी थ्री का फिर मैंने जो हमारे वहाँ पे तब सिलेक्टर थे तो मैंने उनके पास चला गया करी। हाँ जी मैं चला गया उनके पास मैंने सर की मेरा लास्ट ईयर है हाँ। क्योंकि अगर मैं पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ तो हाँ तो उन्होंने मैंने काफी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि चल जा यार तेरे को दिया एक मौका दिया चल ठीक है तेरे को देता हूँ मैं एक जा खेल ले मैच पहले वाला तो मैं पहला मैच खेला जी पहले मैच में तीन विकेट मिले फर्स्ट डे हमारी बॉलिंग थी है? तो नेक्स्ट डे बैटिंग थी है? तो बैटिंग में जब जब मैं गया तब तो हमको चाहिए थे अस्सी रन जीतने के लिए है? हम तो हमारे मैं सात नंबर पे गया था जी बैटिंग करने है? तो हम छह आउट हो गए थे फिर तो उसके बाद जैसे ही मैं बैटिंग करने गया तो सेट बैट्समैन तो सात वाला वो भी आउट हो गया है? तो अस्सी रन रह गए जीतने को तो मेरे साथ आ गया जी बॉलर है? तो मैंने उसको यही बोला कि मैं 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 रन बना दूंगा तू तूनेस मेरे साथ खड़े रहना है कि ऐसा ना हो कि तू आउट हो जाए फिर मुश्किल हो जाएगी तो उसने मेरे साथ उसने भी मेरे साथ वादा किया कि मैं नई मैच खड़ा रहूंगा तो, तो उन अस्सी रन से मेरे रन में मैंने 77 बनाए और जो मेरे साथ वाला बैट्समैन था मतलब वो उसने बनाए बाईस बॉल जीरो रन और सिर्फ डिफेंस। हुँ। और हुँ। मैं उसको एक दो बॉल देता था ओवर में और वो वो खड़ा रहता था तो दो बॉल रह गई थी ओवर की तो लेफ्ट स्पिनर बॉल डाल रहा था तो मैं तीन रन चाहिए थे हमको जीतने के लिए तो मैंने उस मैंने बोला इसी ओवर में निकाल कर देता हूँ तो मैंने वो लिफ्ट मारी वो मैं आउट हो गया हाँ, तीन रन तो हाँ, मैं आके बाहर रोने लग गया हाँ, तो जो मेरे साथ 22 रन पे सॉरी 22 बॉल जीरो पे खेल रहा था हाँ, वो जब मैंने लिफ्ट मारी तो स्ट्राइक चेंज, चेंज तो हो गया स्ट्राइक पे आ गया तो दूसरे वाला बॉलर था हमारा हाँ, तो वो नॉन स्ट्राइक पे चला गया हाँ, हाँ, तो उसने वेरी नेक्स्ट बॉल उसने ना स्कूप मार के <laughs> जिता दिया जिता तो दिया उसने बाईस बॉल चार रन <laughs> बनाए और वो क्रूशल चार रन <laughs> थे मतलब मेरी लाइफ का भी वो वो, वो जो चार रन बनाए उस मैं वो कहता हूँ वो चौके ने मेरी लाइफ लाइफ बदल दी तो उसके बाद मेरे को नेक्स्ट मैच में मौका मिल गया मैं जीत गए हम नेक्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया तो हम टूर्नामेंट सारा हम फाइनल तक खेली मोहाली उस टूर्नामेंट में तो मैं हाईएस्ट विकेट कर रहा टूर्नामेंट का ओके। फिर वहां से मेरी अंडर 23 पंजाब के लिए सिलेक्शन होगी पंजाब फिर पंजाब को मैंने रिप्रेजेंट किया कॉलसी कनाइडू ट्रॉफी में जी। फिर मैं हाइस्ट विकेट टेकर इंडिया का रहा ग्यारह मैच में फिफ्टी विकेट मेरे ओके। तो फिर वहां से मेरी सिलेक्शन होगी अंडर ट्वेंटी थ्री हो गया हाँ जी वो सडनली एक साल में आईपीएल भी मिल गई

और आपने अपना टेस्ट पूरा पास किया अच्छा अर्पित मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा ये हर फैमिली में होता है बेसिकली जब आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हो विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट मिडिल क्लास फैमिली तो रिश्तेदार या आसपास के लोग कहते हैं नहीं इसमें तेरा कुछ नहीं बनना क्या ऐसे मोमेंट्स आपके साथ आते थे जहां आपको आसपास वाले डीमोटिवेट करते थे कि नहीं तूने खेलना नहीं है तू कोई जॉब कर या पढ़ाई कर तो फेल हो जाएगा इस तरीके से कोई ऐसी चीज़ होती थी ऐसे भाजी मैं करता, मैं कहता हूँ हर बंदे की लाइफ में ऐसे इंसान होते हैं जो मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा डीमोटिवेट करते हैं पर बात जरूर करते हैं उसके बारे में तो जैसे मैं बाइक मैं मोटरसाइकिल पर जाता था कहीं भी मैच खेलने के लिए हाँ। तो मैं मैं जब मोटरसाइकिल पर जाना तो जो मेरे मेरे दोस्त ही हैं अभी भी मेरे दोस्त हैं पर मैं मैंने अपना कभी करैक्टर चेंज नहीं किया उनके लिए वो मेरे को

तो फिर तो जब मेरी आई में सिलेक्शन हुई ना तो मैं अब वही इंसान मेरे घर में पहली बार लड्डू का डब्बा लेके आया जिसने मेरे को बोला बोला। बोला। <laughs> मेरे को को ये ये बोला मोटरसाइकिल उठा के चला जाता बनना है नहीं इसका कुछ मम्मी का फोन आया कि तो मैं था नहीं जब आई में सिलेक्शन हुई तो वो इंसान ऐसे करके नाम लिया कि वो आया है घर पे मैं बहुत खुश हुआ क्या बात है पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जो क्योंकि पेरेंट्स ने तो आपकी वो जर्नी देखी है और वो उसका एक पार्ट होते हैं बेसिकली जो आप जर्नी कर रहे हैं पेरेंट्स क्योंकि हमेशा आपके साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़े होते हैं चाहे वो आपकी डाइट है खाना है पीना है आपको फैसिलिटी देनी है और uh, आपका स्केड्यूल सेट रखना है और ये भी इंश्योर करना है बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली की हाँ इसको किसी चीज़ की कमी ना आए सो so, जिस दिन आप आई में सेलेक्ट हुए वाट वॉज द रिएक्शन ऑफ योर पेरेंट्स मैं तब भाई मैं 23 आ, स्टेट खेल रहा था मैं okay. आपको बताया मैंने 2018 की बात है नीग. तो आईपीएल पी ऑक्शन थी हमारा डेज मैच था तो हम सुबह जीत गए हम आउट राइड जीत गए राजस्थान से हाँ. तो हाँ. दो बजे ऑक्शन शुरू होनी थी तो हम ग्यारह बारह बजे वेले हो गए थे ग्राउंड से हाँ. तो मैं उसके बाद फिर हमारे ग्राउंड टी वी में बैठ गया मैं टीवी में क्या गया तो मैंने देखा कि ऑक्शन दो बजे शुरू हुई तो मेरा नंबर था तीन सौ तीन मैंने अभी तो टाइम लगेगा आने में मैं चलो चार पाँच बजे तक आ जाएगा चार पाँच बजे तक नहीं आया तो फिर तो धीरे धीरे क्या हुआ वो तो उन्होंने शुरू कर दिया कि आपको जो जो प्लेयर आपको जिन दिन को आप चाहिए खरीदना चाहते हो हम सिर्फ उन उन, 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 उन उनको उनका उनका नाम लेंगे तो मैंने बोला यार अब पंगा है अगर तो मेरा नाम निकल गया मेरे को पता ही नहीं चलेगा तो लिस्ट थी मेरे पास हाँ। मैं देख रहा था भाई हाँ। जिस जिस प्लेयर का नाम है हाँ हो गया हो गया हो गया हाँ। तो हमारी सारी पंजाब की टीम बैठी थी हाँ। रूम में हाँ। उससे पहले मेरे दोस्त अर्शदीप का मेरा रूममेट था तो उसकी सिलेक्शन हो गई थी हाँ। तो वो सारे उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने सारों ने तो वो सारे वहीं बैठ गए तो मेरे को बोलते तेरा नंबर का मेरा तीन तो फिर ना वो लड़का था वो देख रहा था तो मैंने ना उसको धीरे से बोल दिया मैं यार अभी अगर मेरा नाम निकल भी गया ना तो भी मतलब गुस्सा मत करियो मेरे को बता दियो मैं नहीं तो मैं वेट करता रहूंगा वो वो कहता नहीं नहीं अभी तो तेरा आना नाम। इसके इससे है, इससे अगला अगला ही ही रोड़ा, रोड़ा लग गई सारी फिर उसके बाद तो फोन पे फोन कभी इतने फोन आए नहीं कभी उससे पहले उसके बाद फोन पे फोन फोन पे फोन पहली बारी लाइफ में वो मतलब वो चीज भूल नहीं सकते सारी जिंदगी आपने क्या फील किया उस टाइम क्या वो पिक्चर आई जो आगे पीछे हुआ था जो चौदह साल तेरह साल की मेहनत वो आगे आई या क्या, क्या फील कर रहे थे बेसिकली मैं सच्ची बताऊँ मेरे में वो ऐसे ऐसी फील नहीं आई कोई जो पीछे हुआ वो नहीं हुआ मैं सारी चीजें मतलब कह लो कि मैं ऐसा मैं मैं वो भूल सकता हूँ मेरे ना आगे लाइफ में आया कि अब मेरे लिए दरवाजे खुल गए आगे मैं आगे कि मेरे को यह अभी इन इन प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करूंगा मैं हाँ। वो पॉजिटिव चीजें बहुत आई मेरे माइंड में हाँ। तो फिर वही चीजें मेरे माइंड में ज्यादा आई मेरे माइंड हाँ। में ऐसा है, आया नहीं कि मेरे साथ ऐसा, हाँ। ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हाँ। हुआ तो जो भी हुआ मैं चलो एक पार्ट ऑफ जर्नी होता है जरूरी हाँ। होती है कु, कुछ चीजें जिंदगी में अगर ना हाँ। होना तो वो तो आप स्ट्रांग नहीं बन पाते उतने वो चीजें जरूरी होती हैं तो मैं उन्हीं चीजों को वो चीज़ मान के मैं अब अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का टाइम आ गया हरप्रीत मैं आपसे शो से पहले भी हम बैठ के पौना घंटा हमने डिस्कशन करी है अभी हम शो पे भी डिस्कशन कर रहे हैं एक चीज़ मैं बहुत रेयर देखी है लोगों में वो है टोटल पॉजिटिविज्म मतलब मैंने खुद भी मैं कहीं ना कहीं जाके नेगेटिव ज़रूर हो जाता हूँ कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जब धक्के हुए हैं मुझे वो धक्के याद रहते हैं आपने अपने आप को इतना पॉजिटिव कैसे रखा हुआ है मतलब इसके पीछे कुछ तो होगा बिकॉज आजकल अगर आप यंगस्टर्स देखो ना सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है छोटी सी हार वो नेगेटिव हो जाते हैं छोटी सी कोई आ, आ, फेलियर आ जाए लाइफ के अंदर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो आपने इतने साल मेहनत करी अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखा हुआ है इतना कि हर चीज को आप पॉजिटिवली देखते हो भाजी मैं मतलब मैं, जो मैं सोचता हूँ ना मतलब जो मेरे मेरे दोस्त भी कई बार कहते हैं कहते यार तू ना उनको ओवर कॉन्फिडेंस लगती है वो चीजें जैसे हम अपने पॉजिटिव कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा हाँ, मैं कर सकता हूँ मैं हाँ, कर सक वो, वो कुछ हर बंदे का करेक्टर होता है वो अपने आप को मतलब कह लो पॉजिटिव रखने के लिए वो चीजें बोलता है मेरे भी दोस्त मेरे को बोलते कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस जाते रहे तू ऐसे ऐसे बोलता रहता मैं तो मैं मेरे को पुश मिलता उन चीजों से मैं मैं अपने आप को अगर चार्ज रख सकता हूँ मैं ऐसे ही रख सकता हूँ अपने अपने तो मैं मैं वैसे ही रहता हूँ मार दूंगा मैं मार दूंगा बट हाँ। मैं सोच के जाता हूँ करना ही करना है वो चीजें तो वही माइंड में यही रहता है कि यार करना ही करना है अगर हम हमारे जोटी रोड थे हमारे साथ फील्डिंग हमको बोलते होते थे कि इफ यू If you, if you हाँ हाँ तो जाओगे नहीं, हाँ। जाओ नहीं हाँ। तो फिर वो चीज़ पता नहीं हाँ, चलेगी हाँ हाँ। तो वो चीजें ऐसी में, दिमाग में रह जाती है कई बार हाँ। हाँ। तो फिर माइंड में आता रहता है कोई गाल नहीं जो है देखी जाएगी उद्दा सोच के चलना कोई गाल नहीं डिस्ट्रेक्शन कैसे मैनेज करते बिकॉज आप जब इस लेवल पे हो कितनी सारी चीजें आपको लाइफ में फिर आगे देखने को मिलती है स्टिल एज अ स्पोर्ट्समैन मुझे ऐसे लगता है आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हो अपनी जॉब पे तो बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आती हैं जो आपको अपने फोकस से हटाती हटाती हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करके रखते हो मैनेज भाजी जब आज अगर हम रात को सोने जाते हैं तो फिर मैं सोचता हूँ यार भी ले दे के हमारे पास क्रिकेट ही है हुँ, हुँ. अगर हम क्रिकेट में ही नहीं अगर अपने आप को कह रहे हो कि डिसिप्लिन नहीं रहेंगे हुँ. तो फिर ये बाकी चीजें क्रिकेट की वजह से ही मिली हैं है हाँ, तो हाँ, वो जो में वही दिमाग हाँ, रहता क्रिकेट बात है क्रिकेट बहुत क्रिकेट पहले नंबर पे है हाँ, फिर आगे जो जैसे जैसे फाइनेंशियली अच्छे हो गए हाँ, हाँ, ठीक है जी हाँ, मम्मी डैडी खुश हो गए भी हाँ, 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 हाँ हमारा बेटा कमाने लग गया हाँ, वो चीजें वो मिली क्रिकेट की वजह से ही है हाँ, तो है तो प्रायोरिटी जो क्रिकेट है वो हाँ, वही रहता है में। हाँ, 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 कुछ दिन ऐसे भी आते प्रैक्टिस नहीं हो पाती हाँ, पर फिर ये होता है जब करनी है, हाँ, करनी है है हाँ, तब पूरे फोकस हाँ, से मेहनत सारी दुनिया करती है पर ना आप कहते तो कुछ लोग होते हैं टैलेंटेड होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड होते हैं तो मेरा हमेशा कह लो ब्लेस्ड रहा हूँ कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना मेरे को रिजल्ट दुगना मिलता है इस चीज में ब्लेस्ड मानता हूँ और क्या करना चाहते हो भाई सबसे जो हर क्रिकेटर का सपना है इंडिया में कि मैंने इंडिया रिप्रजेंट करना है सीनियर लेवल पे तो वो वो चीज़ है मेरे माइंड में कि हाँ अभी एक दिन इंडिया रिप्रजेंट करना है पर लेकिन हाँ वो वो चीज़ को साइड में रखे क्योंकि वो गोल तो हर क्रिकेटर का है जो जो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे नहीं भी खेल रहा है वो भी चाहता है कि मैं इंडिया की इंडिया जर्सी, रिप्रेंट रिप्रेंट जर्सी बट जो मेरा भी फोकस उन चीजों में जो मेरे हाथ में है, जो अभी चल रहा है अभी मेहनत कैसे करनी है आई बी आई IP, पी एल खत्म हुआ है जो जो चीजों में मेरे को काम करने की जरूरत है उन पे काम करूँगा कितने घंटे की प्रैक्टिस करते हो अभी भी

क्विक रिजल्ट्स मांगते हैं और जल्दी सक्सेस चाहते हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि ये इतना ठहराव जो आपके अंदर है कि आप इतनी पेशेंटली वेट किया है उनको कोई ऐसा सजेशन देना चाहोगे जिससे उनको ये पता चले कि मेहनत करके या पेशेंस से ही सक्सेस आता है बेसिकली सक्सेस ओवरनाइट जो आता है वो जल्दी चले भी जाता है हाँ जी।, जी मैंने अभी आपको बताया ना कुछ प्लेयर, टा, टा, कुछ प्लेयर होते हैं अभी टैलेंटेड होते हैं कुछ प्लेयर होते हैं जो मेहनत करके बने होते हैं। जी जी। तो कुछ प्लेयरों को तो जल्दी मिल जाती है जी क्रिकेट ठीक है पर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेहनती नहीं होते मेहनती वो भी होते हैं हाँ। पर उनको रिजल्ट है थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, हैं। एक्स्ट्रा हाँ। मिल जाते हैं। और कुछ होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि जितनी मेहनत मैं करता हूँ मेरे को लगता है ऐसे प्लेयर है हमारी टीम में जो मेरे से दुगनी तिगनी मेहनत करते हैं हाँ। पर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कई बार उनका लक नहीं साथ देता है ना ये चीजें हो जाती है तो ये चीजें भी लाइफ है ये हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना ये ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है कि अगर आप उनको समझोगे तो वो चीजें एक्सेप्ट हो

एक्सप्लेन हाँ, कर सकता हूं हाँ, लेकिन हाँ, मैं वो चीज का एहसास नहीं करा सकता हाँ, वो खुद ही सीखेगा वो जी और जैसे-जैसे लाइफ में आके बढ़ेगा वो वैसे खुद ही हाँ, सीखेगा हाँ, हर फील्ड में यही होता है ना हां हां 100% हां जी तो आपको अपनी लड़ाई, लड़ाई आप, खुद ही लड़नी पड़ती है डे बाय डे आप सीखते जाते हो और लाइफ समझते जाते हो तो अगर आप हबड़ा दबड़ी करोगे हम हम कभी परी एग्जांपल देता हूं मैं कभी रोड पे भी जा रहे होते हैं मंजिल कई बार सेम होती है कुछ आदमी ज्यादा तेज चले जाते हैं लेकिन उसमें रिस्क भी है ना हान। जो जितना आदमी स्टेबल चलता है तो वो उसकी जर्नी भी पहुंच पहुंच जर्नी भी सेफली पहुंच जाती है हान। हान। और वो एंजॉय भी करता है उस जर्नी हान। हान। को ऑसम एनी थ्री थिंग्स विच यू सी एज यू हैव फॉलोड ड्यूरिंग योर जर्नी एंड इन तीन चीजों ने आपको सक्सेसफुल बनाया कोई भी तीन चीजें आपको लगती हैं जो आपने फॉलो करी और आप सक्सेस हुए उसके साथ भाई मैंने भाई मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी चीज तो मैं सोच के चलता था कि मेरे गुरु हैं जो उनकी जो कोई बात है वो पत्थर पे वो वो है वो चीज वो चीज करनी करनी है चाहे मैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप हाँ, तो तो उनकी बात सुन रहे हो तो क्योंकि जब मेरे कोच थे ना तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि अगर तू प्रैक्टिस में सीरियस रहेगा ना तो मैच में रिजल्ट अच्छे मिलेंगे तो हाँ। वो, वो प्रैक्टिस में मैंने जब भी प्रैक्टिस करनी मैं हाँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको पता भी मैं अब जब हम रोड शरारते बहुत करते हाँ, हैं प्रैक्टिस करते हुए हाँ। बोलना है चलना है वो हाँ। पर जब मैंने अपना काम करना है बैटिंग आ गई है बॉलिंग आ गई ना हाँ। तो फिर मैंने वो पंद्रह बीस मिनट जितने भी मैं बॉलिंग करूंगा या प्रैक्टिस करूंगा बीस मिनट का ही होता है नेट सेशन में बैटिंग में तो मैंने वो पूरी दिल से करना दिल से करनी है सो समझ के करनी भी हाँ ऐसे करना है सो फोकस इज वन थिंग हाँ जी वो फोकस बहुत जरूरी है आप, आपकी लाइफ पहली चीज तो होगी आप अपने गुरुजी गुरु की बात दूसरी हो गई is... फोकस हो गई तीसरा यह कि आप इंजॉय बहुत जरूरी है इंजॉयमेंट हाँ, हाँ। बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं ना कर रहे तो फिर आप उसमें 100 दे, दे नहीं सकते हाँ, हाँ। क्योंकि आपको अपने काम का तो बाद की बात है नहीं बट मैं मेरे को मजा आ रहा है करने हाँ। में मैं, मैं, मैं अपना काम करता जाऊंगा आजकल आप ये देखोगे देखो स्पोर्ट्स का कितना बड़ा रोल है लोगों को फिट रखने में स्पोर्ट्स एज वुड से क्योंकि चाहे आप स्पोर्ट्समैन प्रोफेशनली बन रहे हो चाहे नहीं बन रहे बट आप खेल रहे हो या आपको एक्सरसाइज कर रहे हो आपकी सेहत अच्छी रहती है तो आजकल आप ये भी देखते हो कि काफ़ी लोग ड्रग्स में भी घुसते हैं या गलत काम भी करते हैं उन लोगों के लिए आप आ, आ, क्या सजेशन देना चाहोगे कुछ एनी थिंग यू वॉन्ट टू से टू दैम बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच वी वॉन्ट टू ब्रेक आउट हम आ, चाहते हैं कि सारे लोग सही तरीके से सही रस्ते पर ही चलें भाई मैं 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 ये सोचता हूँ भी इन चीज़ों में ना कंपनी बहुत मैटर करती है क्योंकि अगर मेरा कोई दोस्त ऐसे राह पे चलेगा तो मैं उसको संभाल सकता हूँ तो यही है कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए अगर तो आप अच्छे आद, अच्छे दोस्त हो रहे तो सही... आ, वो वो सही होना चाहिए हाँ जी क्योंकि कई बार क्या होता है आप मैं भी गलत हो सकता हूँ तो अगर मेरा दोस्त अच्छा है तो वो मेरे को जब मैं गलत हूँ तो वो मेरे को सही कर देगा अगर बाई चांस वो गलत किसी दिशा में जा रहा है तो मैं उसको सजेशन हाँ। दे दूंगा, हाँ। यार तू तू गलत कर रहे हैं भाई हाँ। सही नहीं हाँ। तो हाउ डू यू सी योर सीनियर्स एज लर्निंग पिलर्स और उनसे आप कैसे सीखते हो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप सारे क्रिकेटर्स से भी मिले होगे और काफी बड़े बड़े कोचेस से काफी बड़े बड़े इंडिया प्लेयर्स के साथ आप बैठते हो तो आप क्या क्या चीज़ें ग्रैप्स करते हो और कैसे कैसे करते हो? भाई मैं, मैं जो मेरा फंडा है मैंने हर चीज़ अपने सीनियर से ही सीखी है जैसे आप बोल लो कि वॉचेस वा, का शौक तो मैंने देखना है है। इन्होंने ये ली हुई अगर धीरे धीरे हाँ। जब हम अफ, कर सकते हैं वो वैसी तो मैं ये भी वैसे लेनी है एयरपोर्ट पे ये कैसे हेडफोन लगा के जाते हैं लुक्स कैसी चश्मा कौन सा मैं मैं मैंने हर चीज उन्हीं से सीखी है तो वैसे बैटिंग में कोई अगर प्लेयर छक्के अच्छे मार रहा है मैंने देखना यार फ्लो बहुत अच्छा है ऐसे 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 खेलना है जैसे खेल रहा है ऐसे खेलना है वो चीज़ तो मेरे लिए तो ये चीज बहुत मैटर करती है जो आपका सीनियर है ना वो अगर बहुत अच्छे लेवल पे खेल रहा है तो मेरे को ये होता है यार भी जो मैं जो जो मेरे जूनियर होंगे वो मेरे को देखेंगे आग। आग। तो वो सीनियर का रोल बहुत मैटर करता है हर जूनियर की लाइफ में तो वो वैसा ही तैयार होगा अगर आप टाइम पे आ रहे हो ग्राउंड में तो वो वो सीनियर को देखते ही देखते, हाँ। देखते हैं तो वो कहते है, हाँ। ये ये हैं यंगस्टर्स जो क्रिकेटर या कोई भी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या स्पोर्ट्स बनना चाहते हैं भाई मेरा तो यही है सजेशन की आपको ना लाइफ में पता नहीं है कि आपका दिन कब बदल जाए क्योंकि हाँ। जो मेरे साथ हुआ वो सडनली हुआ awesome, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अगले एक साल में मैं यहां से कहीं और बिल्कुल क्योंकि आ, आ, हम लोग सोचते नहीं है फ्यूचर के बारे में लेकिन वो चीज अगर आप अच्छे काम कर रहे हो मेहनत कर रहे हो तो आप वो चीजें धीरे धीरे क्रिएट करते हो और आपको पता भी नहीं चलता वो चीजों के बारे में तो यही है कि आप अपने काम पे फोकस रहिए और काम करते जाइए क्योंकि मैं मेरा मानना यही है कि जो आपके हाथ में है ना आप सिर्फ उस पर फोकस करिए और जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज की वरी करने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो वो वो चीजें चलती रहनी चाहिए कि आपका काम नहीं रुकना चाहिए हाँ। जो रिजल्ट है वो खुद हाँ। ब खुद आपके फेवर में आते जाएंगे, हाँ। आते जाएंगे जाएंगे धीरे धीरे आप अपना एम्पायर बिल्ट कर रहे हो तो बस आप फोकस रहिए और अपना काम करते रहिए जिस जिस किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो वो फोकस रहिए बस अमेजिंग अमेजिंग थैंक यू वेरी मच हरप्रीत फॉर पेकिंग टाइम एंड कमिंग टू और शो एंड आपने हमारे शो पे आके आज चार चैनल लगा दिए एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आई विश की आप बहुत जल्दी इंडिया uh, खेलें और हमारा नाम और रोशन करें सबका पूरे इंडिया का हमारा हमारे दोस्तों का हमारे सर्कल का एंड वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी टू थैंक यू सो मच भाजी थैंक यू सो दैट वॉज माई फ्रेंड हरप्रीत बराड एंड मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे विद अनदर एपिसोड टिल देन स्टे ट्यून्ड